मेरा पोखरा इसमें मछली है अच्छा। आ भाई बैठ आजा यार दिल में जगह होनी चाहिए देखो इसमें मछली पालते हैं हाँ। पूरा वहाँ तक देखो तालाब है पूरा आगे तक और इस मछली को विजय भाई खा लेता है उधर वो कर लिया आवा खावा रुमलिया पनिया और क्या क्या होता है दलिया चन्ना ना बहन कहाँ हमारे सब चन्ना है अच्छा अभी इसमें से खील बन जाएगी है पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बनवाओ पॉपकॉर्न जैसे कहते हैं बाहर में जाओ हाँ यही तो होता है बाहर पता है मेरे को थोड़ी थी एक मुट्ठी ज्यादा लतन थोड़ गया अरे कह देना फोन करे थम अरे राहत जा अब इसका जो वेस्ट है ना वो धान वाला भूसी वाला निकल जाएगा तो ये आंटी ने मतलब अपना बना रखा है बिजनेस होगा इनका बना के बेचती होंगी नहीं नहीं जैसे कोई आता है ना जैसे तुम आ गए मेरा बन निकाल दो ऐसे बना दो उसमें से कुछ अनाज ले लेंगे उसमें से अच्छा इसे या पैसे ले लेंगे जो भी होगा इनका जो सही लगेगा उनको भून के दे देंगे भून के दे देंगे अभी ना शादी के लिए बना रहे हैं शादी में काम आएगा जो भाई रस्म निभाता है लड़की भी जाती है फेंकती है और वो हाथ में से पैरों के टाइम गिराती है पॉपकॉर्न तो बनते देखे है ना और पीछे रेडी वाला घूमता है मशीन से देखे है ना अभी यहाँ देसी तरीके से देखिए अरे बहुत हो गया इतना घर ले गया खुद बनवा ले भैया बहुत है हम तो रास्ते में खा जाएंगे यार तुझे फेमस कर देंगे यूट्यूब पे डाल देंगे टेंशन मत ले फुटत ना भाजी ये क्या रेत डाली हुई है रेत है कि या नमक है रेत है नमक नहीं वहाँ पे नमक में भी ये रेत है वहाँ 10 रुपए में इतना मिलता है या जितना ये है ना वहाँ कम से कम 100 रुपए मिलेगा 100 रुपए में 80-90 रुपए ये वाली रेत है नहीं पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं अभी ये और बढ़ेगा अभी ये और बढ़ेगा पर अपनी भाषा में बोलो बताओ क्या है क्या कर रहा है जेनेरिक गाना है भूजा सिंह अभी तो भूरे नहीं पूरे हो गए अंदर काफी सारे पड़े हैं कच्चे जो नहीं खिलता जो नहीं खिलता उसको थर्री बोलते हैं
शर्मा ग्राम पॉपकॉर्न इतिहास खजाना है गाँव का। चलो लेके लेके आया घर चलो खाओ लो अभी खाओ। अरे जो कपड़ा सिलता है ना वो घर का नहीं सिलता। अरे खावत रहा यार। अरे हम तो हम खिलावत रहा तुम खावत रहा। यार मम्मी भुजाई के लिए गई ना तुम्हें ना खा छोटे वाले भुजाई लेके आए बिहारी बाबा। अरे बिहारी बाबा भैया क्या बोल रहे थे भैया भाभी क्या बोल रहे थे कुछ बोल रहे थे सब बोले आप बोलते हो ना सुनो आप बोल देते हैं आप बोल रहे हैं नहीं हम तो आप अच्छा आप बोल रहे हैं आप सुनो तो ना इसमें नमक डाल के लाओ हाँ बस खाली नमक जल्दी से लाओ गोभी उगा रखी देखो अभी छोटे हैं ये फूल गोभी की पत्ता गोभी फूल गोभी है पत्ता गोभी कम लोग उगाते हैं यहाँ पे। अच्छा और ये आलू की खेती अभी दो एक हफ्ता को होगा बोए हुए। हाँ अच्छा और ये बगल वाला खेत मेरा इसके जो पेड़ के उधर वाला खेत है वो मेरा खेत है पूरा वो जो बोर्ड पता कहाँ चल रहा कौन कौन सा मेरा ये बॉर्डर लग रहे हैं ना सारे इसमें आलू उगाया हुआ तुमने और वो वाला है मोर्रा मोर्रा ना मोर्रा डाल दे उन्हें डाल दे हम हल्का तेल ना हो तो तब छिपी गए ये भैया का घर है पता तुम्हें बता रहा हूँ वो बिच्छू घास वाली कहानी सुनाना है वो बड़ी मेरी आप मेरे मजे ले रहे हो ना वहां तुमने बिच्छू घास छू दिया कैसा लगा था वहाँ जो खेतों में लोग जाते हैं ना पहाड़ वाड़ों पे जनजान व्यक्ति कहीं पे बैठ जाता है और वो पीछे टच हो गई तो उसको यही लगता है कि सांप खा गई फिर वो चलता है बस भाई यार चलो यार वहाँ लेट हो रहा है सामान मांगते हैं आगे पका खावा 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 आंवला खावा सुनत ना कम सुनत भाई गिर मत जाना इधर इधर बस ये वाले अरे पानी में गिर गया गंदा पानी में कैसे से डायनामो नहीं आएगा तो बहुत पतला है ना रैन तो टूट जाएगा भाई हां उन पाए जाओ ना मिलना